deceiving me. ये वृक्ष तो पहले ही मर चुका है। लोग अक्सर अपनी मौत को आता देख अपनी सांसें गिनने लगते हैं। तुम ये पेड़ क्यों गिन रही हो तुमने ऐसा? मैं यहाँ पेड़ गिन नहीं रही हूँ, बल्कि एक पेड़ को ढूंढ रही हूँ। और जैसे ही वो पेड़ मुझे मिलेगा, तो समझ लेना विवान की जान मेरी मुट्ठी में है। इस नन्हे से पेड़ में ऐसी क्या खास बात है तुम्हें से? ये जितने पेड़ देख रहे हो ना तुम भैमार, ये सारे पेड़ श्वेत लोक के प्राणियों के आत्म वृक्ष हैं। और इस पेड़ की खासियत ये है कि इस पर विवान का कुल चिन्ह बना हुआ है, यानी कि विवान का आत्म वृक्ष है। लेकिन तुम विवान के आत्म वृक्ष का करोगी क्या? जिस तरह रावण के प्राण उसकी नाभि में बसते थे, उसी तरह इस पेड़ के अंदर विवान की आत्मा बसती है। और अगर मुझे पहले पता होता कि विवान ही छुपी हुई शक्ति है, तो मैं इस पेड़ को... अब भी देर नहीं हुई है तन्नासा, अभी इसे चढ़ से उखाड़ देता हूँ। भैमार, इस पेड़ को काटने से ज्यादा इसे जिंदा रखना जरूरी है। तुम्हारा दिमाग खराब है तन्नासा? अगर विवान जिंदा रहा तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मौत उसके हाथों लिखी है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारा नहीं जाता। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि मैं विवान के इस आत्म वृक्ष के साथ वही करूंगी जो मैंने सर्वकाल के साथ किया था। अब इस वृक्ष हीरक का इस्तेमाल करके विवान को अपना गुलाम बनाऊंगी और फिर उसकी सारी शक्तियां मेरी होंगी। अब बस इंतजार है तौबा तौबा के संदेश का। जैसे ही वो संदेश भेजेगा, मैं अपना काम शुरू कर दूंगी। क्या है ये? सत्यानाश हो भैरानी का, बार बार मुझे बच्चा बनाकर ये बच्चों के तंग कपड़े पहनाकर भेज देती यहाँ पर, जैसे जैसे मेरा कोई आत्मसम्मान ही नहीं है। विवान, सब कहने के लिए नहीं, सच में तुम्हारी सगी बहन। सच यही है विवान, ये देवकी जी ही तुम्हें जन्म देने वाली माँ है। अरे विवान, अगर इसने मुझे देख लिया तो बैठ हारने की वजह से पार्टी देनी पड़ेगी। चिंटू निकल ले। ये चिंटू छुप छुप के कहाँ जा रहा है? जरा देखना पड़ेगा। हाय चिंटू। बाय रिंकू। अरे अकेले अकेले हाइडन से खेल रहे हो? डोंट यू नो हाइडेंसी खेलने के लिए एटलीस्ट दो लोगों की जरूरत होती है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए रेडी हूँ। आंखों की पुतलियाँ फैली हुई, फेस का रंग उड़ा हुआ, और हकला हकला के बात करना, ये सारे सिम्टम्स तब होते हैं जब कोई नर्वस होता है। ये देख, साइकोलॉजी के पेज नंबर 101 पे लिखा हुआ है। मैं क्यों नर्वस होऊंगा भला? क्योंकि तुम टेस्ट में फेल हो चुके हो और शर्त भी हार चुके हो, इसलिए तुम हमें पार्टी नहीं देना चाहते और बहाने बना रहे हो। मैं क्यों बहाने बनाऊंगा यार रिंगू? देखो साइकोलॉजी के पेज 111 में यही लिखा है
कि जब कोई इंसान नर्वस होता है ना तो वो बहाने बनाता है। अरे नहीं यार रिंकू, वो ना एक्चुअली मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम वैसे पार्टी में क्या क्या खाना पसंद करोगे? रियली? और नहीं तो क्या, मेरे घर में ना पार्टी का शेफ बैठा है, तुम उसको जाकर अपने खाने की फेवरेट डिश बता दो। ठीक है, जाओ 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 जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम जिंटू? तुम पार्टी देने से नहीं बच सकते। अरे नहीं खुशी, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। वो क्या है ना, पार्टी का शेफ मेरे घर में बैठा है, तुम उसको जाकर अपनी फेवरेट डिश लिखवा दो। ठीक है खुशी, पार्टी का शेफ मैं नहीं हूँ, पार्टी का शेफ अंदर है। ये घिसी पीटी ट्रिक ना तुम अपने एग्जाम में चीटिंग करने के लिए बचा के रखो, क्योंकि मैं तुम्हें बिना पार्टी दिए कहीं नहीं भागने दूंगी। चीटर? वहाँ तो कोई नहीं है। अरे वान, देखना चिंटू चीटिंग कर रहा है। आंखें झुकी हुई, बॉडी ढीली सी, और फेस पर शाइन नहीं। साइकोलॉजी के हिसाब से विवान साइलेंट मोड पर चला गया है। पर कया कहाँ है? वो जा गया है ना, तुम दोनों भी वहीं चले जाओ। अरे चिंटू रुक, रुक। अरे लॉजिकली सोच, अगर उसे रुकना ही होता तो वो भागता क्यों? अरे साइकोलॉजी बाद में समझाना, अभी चल के चिंटू को रोक। ये चिंटू चीटिंग कर रहा है? क्योंकि विवान का ध्यान इसकी तरफ नहीं है, इसका दिल तो दुख में ऐसे डूब रहा है जैसे समुद्र में कागज की नाव। मैं अभी जाकर भैरानी को बता कराता हूँ कि समुद्र में तूफान लाने का सही समय आ चुका है। चल तुबा तुबा, चल। You are not getting it, नकापोश। टीम शाडो का एक मेंबर खुद ही सैडनेस की शाडो में चला गया है। मैं अपने भाई को ऐसे मोमेंट पे अकेला नहीं छोड़ सकती, हमें उससे बात करनी होगी। I also know Ananya, but विवान को अभी अभी एक बहुत बड़ा सच पता चला है, अभी उसे टाइम की जरूरत है। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। You know what? मेरे पास एक आइडिया है, हमें डब्बू को कॉल करना चाहिए। विवान डब्बू की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, वो उसकी बात जरूर मानेगा। वो अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मतलब बिजी होगा। ऐसे किस काम में बिजी होगा वो डॉक्टर? रुको मैं कॉल करती हूँ उसे। जहाँ भी हो अभी के अभी मुझसे मिलने आओ। किंतु परंतु लेकिन बट कीप योर माउथ शट एंड कम हियर फटाफट राइट नाउ। होपफुली अब डब्बू ही विवान को इस सिचुएशन से बाहर निकाले। अनन्या, तुमने इतना हरी में क्यों बुलाया मुझे? तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? अब वो नगा पोस्ट दोस्त मुझे खींच कर ले आया स्पीड पोस्ट की तरह। बट वो खुद कहाँ डिसअपीयर हो गया? यहीं पर है। अरे हाँ नगा पोस्ट, पहले मुझे अनन्या का मूड तो पता चले। अब अरे हाँ मूड तो पता चले फिर जाऊँ ना। अरे हाँ पता है मुझे, मूड पता चले फिर जाऊँ मैं उसके पास। अरे नगा पोस्ट, अरे बोला मैं। प्लीज अनन्या, तुम जल्दी देबू के साथ अपने सारे डिफरेंसेस सॉल्व करो, बेचारा डर रहा है तुम्हारे सामने आने से। ऐसे कैसे डर रहा है? वो नहीं आएगा तो मैं आ जाऊंगी। अरे नखापोश, ऐसे धक्का तो मत मारो, चश्मा टूट जाता अभी मेरा। बोलो। लिसन डब्बू, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। विवान इस टाइम बहुत ज्यादा इमोशनल पेन में है, और तुम तो उसके प्यारे देबू भैया हो ना, इसलिए तुम ही उसका मूड अच्छा कर सकते हो। हाँ नगापोश ने मुझे सब कुछ बता दिया, अब मैं विवान से ही मिलने जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे पीछे मत आना। पीछे मत आना। पीछे नहीं आऊंगी? कैसे पीछे नहीं आऊंगी? अरे रुको देबू, देबू रुको। लो चला गया ना देबू। वो कौन होता है तो तुम मौन होते हो, तुम मौन होते हो तो वो कौन होता है? सीन क्या है? कोई सीन नहीं है, ये ऑनर ऑफ छोड़ो और बस देबू पर विश्वास रखो,
कि वो विवान को मना ले। मुझे इस चिंटू को पार्टी देने के लिए मनाना पड़ेगा, तभी मैं अपनी चाल चल पाऊंगी। विवान और उसकी पलटन से कब तक छुपते फिरोगे चिंटू? मैं क्यों छुपूंगा विवान से, क्योंकि वो लोग तुमसे पार्टी मांग रहे ना। चिंटू पार्टी देता नहीं है, चिंटू पार्टी लेता है। और वैसे तुम दोनों कौन हो? मैं चिंटी की फ्रेंड हूँ। जब से चिंटी तुम्हारे मामा जी के घर गई है, तुम कितने अकेले हो गए हो, है ना? हाँ हाँ, कितने अकेले हो गए वो। इसीलिए हम तुम्हारी हेल्प करने आए। हाँ, हेल्प। मेरी हेल्प से पहले ये छोटू की हेल्प करो, ऐसा लगता है इस छोटू को किसने खाना नहीं दिया है। छोटू किसको बोला, मोटू। हेल्प करने आए हैं हम, हेल्प करने। हाँ, हेल्प हेल्प हेल्प। वैसे मेरे पास एक मेडिसिन है, जिसे अगर विवान और उसकी पलटन के जूस में मिला दिया जाए तो 10 दिन तक वो रेस्टरूम के बाहर नहीं आएंगे। अब इसे यूज करना ना करना वो तुम्हारे ऊपर है। अरे लेकिन वो मेडिसिन के बारे में तो बताओ। अरे चिंटू, मतलब उनके पेट में गुड़गुड़ और शरीर में हुरूड़ी मच जाएगी। अरे वाह, तो चलो निकालो निकालो। इस मेडिसिन के लिए तुम्हें पार्टी देनी होगी। हाँ। पार्टी? मैं पार्टी कैसे दे सकता हूँ? अरे इट्स इम्पॉसिबल यार। अरे चिंटू, तुम विवान और उसके पलटन से कितना भागोगे? सोचो, तुम जितना ज्यादा भागोगे उतना ज्यादा तुम्हारा ये बुलडोजर जैसा शरीर है ना, स्कूटी जैसा बन जाएगा। ये बात तो सही है, और वैसे भी मैं दिन भर भाग भाग के पता नहीं कितनी कैलोरीज कम कर चुका हूँ। इससे बढ़िया होता था कि मैं मम्मी पापा से एक चमाटी खा लूं। ये हुई ना बात, अब तुम्हें तो बस अपनी मम्मी को मनाना है। एक बार मम्मी मान गई तो पापा को तो झक मार के मानना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात भी सही है। अरे किधर जा रहे हो? मम्मी पापा को मनाने, और कहाँ। जाओ। शाबाश शाबाश। देखो भैया, अगर चिंटू पार्टी देने को रेडी ही नहीं है तो विवान को मना कर क्या होगा? अरे अगर हम विवान का मूड ठीक कर देंगे तो वो चिंटू को अपने आप पार्टी देने के लिए मना लेगा, यू नो हिम ना। अब तो बस हमें विवान को मनाना है, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना। ओके, वो देखो पूरा विवान। खुशी दीदी, ये रिंकू, आप भी इतने अपसेट क्यों हैं? चिंटू बेट हार के भी जीत गया, सो व्हाट, आई एम ओके। अगर मेरी वेलकम पार्टी कैंसिल हो गई, सो व्हाट, आई एम ओके। अगर चिंटू माय पलटन से जीत गया, सो व्हाट, आई एम ओके। देवू भैया, आप पूछना भी मत। तुम तीनों के चेहरे एकदम फूल की तरह मुरझाए हुए हैं, बट आई एम ओके। अगर मेरी पलटन ओके है, मेरी प्यारी देवू भैया ओके है, So I think, मुझे भी ओके हो जाना चाहिए। क्यों? Yes!
विवान, मैं अपनी हार एक्सेप्ट करता हूं, इसलिए आज मेरे घर पे पार्टी होगी, तो आना जरूर। और हाँ, तुम सब भी अपने घर वालों को लेकर आना। चलो तो फिर मिलते हैं, बाय। ये चिंटू कौन सी गुगली डालकर चला गया? देबू भैया, अगर चिंटू अपनी बैट हार के पार्टी नहीं देगा तो उसकी बहुत इंसल्ट होगी ना क्लास में, इसलिए खुद ही रेडी हो गया है। आई थिंक यू आर राइट, राइट? चल ना रिंकू, पार्टी की तैयारी करते हैं। चलो। आई एम प्राउड ऑफ यू। किसी और की खुशी के लिए खुद के दुख को भूल जाना, वेरी गुड। थैंक यू। मैं आता हूँ। I really hope कि पार्टी में तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें जल्द से जल्द सर्वकाल की शक्तियों को हासिल करना है। So cheer up, विवान। अब तो सब कुछ पता चल चुका है कि विवान ही छुपी शक्ति है, तो फिर वो मेरी पूरी ऊर्जा को प्राप्त करने यहां क्यों नहीं आ रहा है? लगता है अब अंतिम प्रक्रिया शुरू हो रही है। मुझे तुरंत शौर्य को बताना होगा कि अगले 3 पहर के अंदर अगर विवान यहां नहीं आया तो पूरा खेल बिगड़ सकता है। स्माइल विवान, स्माइल। विवान? अरे ये क्या, तूने इतनी नॉर्मल सी टी शर्ट क्यों पहनी हुई है? ऐसे जाएगा क्या पार्टी में? ये देख, मैं तेरे लिए ये लेकर आई हूँ, इसे पहन इसके ऊपर। लेकिन मम्मी ये... अरे अरे बोलो, नहीं सुनो, देखो अब लग रहा ना मेरा बेटा बिल्कुल सलमान भाई के जैसा। क्या हुआ, तू इतना सैड क्यों है? तुझे पसंद नहीं आई तो चेंज करूं? नहीं मम्मी, ये शर्ट तो बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल आपके प्यार के जैसी। आई लव दिस शर्ट, थैंक यू। अरे विवान बेटा, वाह, कपड़े तो तुमने सलमान भाई की तरह पहन लिए, बैठो। लेकिन हेयर स्टाइल भी तो तुम्हें सलमान भाई की तरह करनी होगी ना। तुम्हें राधे बनना है, चुलबुल पांडे बनना है या फिर प्रेम, बोलो। जो बनना है तुम बन लो। ये लो, तुम्हारे लिए नई जेल लेके आया हूं। थैंक यू। हैंड्स अप भगवान। वाह वाह, थैंक यू दीदी। अरे चलो चलो खुशी करुणा, तुम दोनों तैयार हो जाओ, पार्टी में जाने को देर हो रही है। अरे हाँ, हमें तो रेडी होना है खुशी। विवान तू भी जल्दी से नए शूज पहन ले। हाँ चल खुशी, हम लोग रेडी होते हैं। देखो विवान बेटा, मैं तो पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, फिर भी तुम लोग मजे करना, ठीक है? चलो। ये फैमिली तुम्हें बहुत प्यार करती है, तो अपने लिए ना सही पर इनके लिए एक स्माइल कर दो। चिंटू, अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? फेल हो गए और फेल होकर भी कोई पार्टी देता है भला? और एक तो तुम्हें मेरे दोस्त का जासूसी चश्मा चुराने की सजा नहीं मिली, और ऊपर से तुमने एक गलती और कर दी, कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी यहाँ, समझे? तूने पार्टी कैसे नहीं होगी? हम लोग मेहमानों को बुला चुके हैं, वो आते ही होंगे, और अभी अगर हमने पार्टी कैंसिल करी तो नाक नहीं कट जाएगी हमारी? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, नाक नहीं कट सकती। मुन्ना मिश्रा की जेब भले कट जाए पर नाक नहीं कटने दूंगा मैं, और तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा।
पहले ही मेहमानों से निपटते हैं। ए जय श्री कृष्ण मिश्रा जी। नमस्कार नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अंदर आइए। अरे तू क्यों खड़ा है, उधर किनारे जा। आइए आइए बैठिए बैठिए, आप लोगों का मिश्रा की हवेली में स्वागत है। अंकल, ये मिश्रा अंकल हॉल को हवेली क्यों बोल रहे हैं? ये अंकल ऐसे ही है रिंकू, बड़ी बड़ी छोड़ना इनकी पुरानी आदत है, तू पकड़ते रहे। वैसे कामिनी जी, ये पार्टी किस खुशी में रखी आपने? पार्टी तो हमने हमारे होनहार बेटे चिंटू के लिए दी है। ये चिंटू होनहार कब से हो गया है? वो तो क्लास टेस्ट में 0 नंबर से फेल हुआ है ना? अरे दिवाली जी, फेल होना भी एक टैलेंट है। अरे फेल होने में बताइए क्या बुराई है, और पार्टी देने से बच्चे का हौसला बढ़ जाता है। वैसे ये मेरी लाइफ की ऐसी पहली पार्टी है जहां मैं मेरा खुद का टिफिन साथ में लेकर आई हूँ। अरे डॉक्टर शालिनी, आप तो खुद एक डॉक्टर हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि ऐसे बारिश के मौसम में छोटे छोटे बच्चों को बाहर खाने से बीमारी हो सकती है, इसीलिए बस। विवान और उसकी मम्मी का है। अच्छा लाओ वो मेडिसिन मुझे दे दो, ताकि मैं विवान और उसकी पलटन की जूझ मिक्स कर सकूं। लाओ लाओ। सही मोमेंट का वेट करो चिंटू, जाओ अपने मेहमानों का स्वागत करो। तुम तैयार हो ना मेहमान? हाँ, यहाँ सब तैयारी हो चुकी है तमन्नासा। अब जैसे ही विवान के पैर उस मिट्टी के ऊपर पड़ेंगे, सर्वकाल की तरह वो भी मेरा गुलाम बन जाएगा। तुम तैयार हो ना भैया? हाँ, यहाँ सब तैयारी हो चुकी है तमन्नासा। राजा, आप क्या आप पैरों की खेती करने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, आपको क्या लगता है कि आप इसे मिट्टी में गाड़ेंगे तो इसमें से क्या एक और आत्मपुरुष बाहर निकल के आएगा क्या? सब मैं नहीं बोल रहा। मूर्ख, मैं जो भी कर रहा हूँ वो तमन्नासा की योजना का एक हिस्सा। अच्छा। पार्टी के दौरान तमन्नासा किसी ना किसी बहाने से उस विवान को यहाँ जरूर लेकर आएगी, और जैसे ही विवान का पैर इस आत्महीरक पर पड़ेगा, वो भी सर्वकाल की तरह सिर्फ एक ऊर्जा का गोला बनकर रह जाएगा, और उसकी सारी शक्तियां नासा को मिल जाएंगी। यानी वो सफोला भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वाह, इस बार तो भैरानी की जीत पक्की है। ये लीजिए। लीजिए। ए मिश्रा जी, ये क्या है? पार्टी में बुला के आप सादा पानी पिला रहे? अरे छेड़ा जी, ये बीएमसी के नल का पानी नहीं है, ये इंपोर्टेड वाटर है, टॉनिक वाटर, 1,000 रुपए पर लीटर। सुना तूने रिंकू? हाँ, ये मिश्रा अंकल तो बहुत हैवी ड्यूटी फेंक रहे हैं। वाकई बहुत टेस्टी है। क्या बोल रहे हो मम्मी, ये तो टैप वाटर है। जिनके यहाँ गेस्ट बन के जाते हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। मैं ना इसको घर पे लेके जाती हूँ, वो क्या है ना 1,000 रुपए लीटर का पानी है ना, तो बहुत महंगा है ना। अरे इसकी तो एक एक बूंद एकदम कीमती है, बोलो है नहीं? बराबर दिवाली, बराबर। हाँ। घर पे ले जाएंगे। बालवीर,
शौर्य मुझे कुछ जरूरी संदेश देना चाहते हैं। क्या बात है शौर्य? बालवीर, मेरी बात ध्यान से सुनो। सर्वकाल ने थोड़ी देर पहले मुझे संपर्क किया था। हमारे पास उसकी शक्ति को विवान के शरीर में पहुंचाने के लिए सिर्फ 3 प्रहर का समय है। सिर्फ 3 प्रहर? हाँ, और अगर इस बीच सर्वकाल की शक्ति विवान के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाई तो। ओ हेलो, पानी का ग्लास छोड़ के सीधा टंकी से पानी पी रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो पानी पीने आया था, लेकिन अभी अपना चेहरा देख रहा हूँ। कितना स्मार्ट हो ना मैं। यहाँ पे शीशा होते हुए तुम पानी में अपना मुंह देख रहे हो? वो वैसे भी बंदर चाहे अपना मुंह पानी में देखे या शीशे में, दिखेगा तो वो बंदर ही ना। देखा है मैंने। What the F? पानी। मतलब तुम मुझे बंदर बोल रही हो? हाँ? नहीं, मैं तो तुम्हें थैंक्स बोलने आई थी। थैंक यू काय को? विवान को इस पार्टी में लाने के लिए। आई जस्ट होप उसका मूड अब ठीक हो जाए। ये पार्टी है ना, खाना है ना डांस है, और ऊपर से BNMC का पानी बॉटल में भर के पिला रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना पार्टी होती। मिश्रा जी भी एकदम कंजूस है, तुम्हारे मकान मालिक। ऐसे में विवान का मूड कैसे ठीक होगा? मेरे पास एक आइडिया है। नहीं नहीं, क्या? अरे बताओ। हिरण्या भी मेन बारिश की तरह कभी भी टपक जाती है। क्या करूं, शौर्य से बात भी अधूरी रह गई। मेरा डाउट सही था। चिंटू पार्टी देने के लिए इतना एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि तिमनासा ने उसे अपने वश में कर रखा है। इस बारे में मुझे तुरंत विवान को बताना चाहिए कि तिमनासा फिर से रूप बदलकर यहाँ पार्टी में आ गई। लेकिन विवान की नजरों में तो मैं देबू हूं। डायरेक्टली विवान को ये नहीं बता सकता। दिखाते हैं कि भारत नगर वालों की पार्टी कैसी होती है। नहीं आज नहीं, तुम दोनों एंजॉय करो। अरे यार, हर पार्टी में शाइन करने वाला विवान आज इतना डल सा क्यों लग रहा है? कहां गायब हो गई तिमनासा? विवान का ध्यान मुझे तुरंत तिमनासा की तरफ करना होगा किसी भी तरह। अरे वो हेलो। हेलो नो व्हाट ओ नो, तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे तुम्हारी कोई फ्लाइट छूट गई है। हाँ वो एक्चुअली वो आगे बोलो। एक्चुअली पार्टी बहुत बोरिंग हो रही है ना, तो इसलिए मेरे मुंह से पार्टी को देखकर ओ नो निकल गया, लेट रिएक्शन यू नो। आई नो, बट डू यू नो कि तुम खुद कितने बोरिंग हो? मैं बोरिंग नहीं हूँ। हेलो मैडम, मैं डीप हूँ, एकदम ओशियन की तरह। एनीवेज, तुम ये कचरा लेकर कहाँ जा रही? ओ हेलो, ये कचरा नहीं है, ये मैजिक टूल्स हैं। मैं बच्चों के मूड के साथ साथ विवान का भी मूड ठीक करने वाली हूँ मैजिक शो करके। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक क्या, तुम भी मेरे साथ चलो मेरे असिस्टेंट बन के। चलो फॉलो। असिस्टेंट मैं? अरे एक तरफ शौर्य से बात अधूरी रह गई कि 3 पहर में क्या होने वाला है, और ऊपर से तिमनासा यहाँ खतरा बनकर मंडरा रही है। रानी, आपने मुझे याद किया?
जाओ जाके भैमार को खबर करो, उसकी जल्द जरूरत पड़ेगी। राजा ऐसा कौन सा तीर मार सकते जो मैं नहीं मार सकता? अब भराने उनकी कोई जरूरत नहीं, आप मुझे बताइए क्या करना है। समझ गया, एकदम समझ गया। अभी जाकर संदेशा देता हूँ राजा को। तो डॉक्टर शालिनी जी, आपको कैसा लग रहा है मिश्रा फैमिली की पार्टी में आके? इतने सारे बच्चे चहल पहल, वैसे भी इन सारे बच्चों की डिलीवरी आप ही के हाथों तो हुई है। क्यों करुणा जी? या फीलिंग रियली ग्रेट, और सबसे अच्छी बात तो वो आपका टॉनिक वाला वाटर था। अच्छा, स्विट्जरलैंड वाला। थैंक यू थैंक यू। अटेंशन एवरीबॉडी, अटेंशन। अरे आइए, आप सब लोग बैठिए प्लीज। मुझे लग ही रहा था कि आप सब लोग बोर हो रहे होंगे, तो मैं आप सब लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा मैजिक शो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग मैजिक ट्रिक्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन और प्यारे बच्चों, आज मैं आप सब लोगों के लिए एक मैजिक शो लेके आई हूँ, तो क्या आप लोग रेडी हो? ओके, तो मेरी फर्स्ट ट्रिक ऐसी है जिसमें विवान को यहाँ बुलाऊंगी। गुड वर्क अनन्या, शायद ये सब करने से विवान का मूड ठीक हो जाए, क्योंकि तिमनासा से लड़ने के लिए विवान को अब तैयार करना ही होगा। विवान यहाँ आएगा और इस बॉक्स में एक कप डालेगा, जिसको मैं मैजिकली कबूतर में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। हाँ? कबूतर? अरे वाह, ये जादू तो हैरी हुडिनी भी नहीं दिखा पाए। कौन हुडिनी? वो एक बहुत बड़े मैजिशियन है, और 1874 में उनका जन्म हुआ था। और पता है उनका असली नाम क्या था? हाँ हाँ रिंकू, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ठीक है। शालिनी बहन, आपका लड़का है ना बहुत पक्का, बहुत सोचता है, बहुत सोचता है ने? बहुत होशियार है वो। मैं अपने भाई को इतना सैड नहीं देख सकती, मुझे उसका मूड ठीक करना ही होगा। तो विवान आ जाओ यहाँ पे। नहीं नहीं अनन्या दीदी, I'm okay, प्लीज किसी और को ले लीजिए। नहीं नहीं विवान, इस मैजिक को वो ही बच्चा कर सकता है जिसके नाम बी से स्टार्ट होता हो। जैसे बी से विवान, तो आ जाओ। कम ऑन विवान, जाओ विवान, 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 मैजिक शो तो हर बच्चे को पसंद होता है, तो फिर ये चिंटू शो छोड़कर कहाँ भाग रहा है? विवान, 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 जाने विवान, 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 जाओ ना, गो, गो, गो। ये तिमनासा क्या करवाने वाली है चिंटू से? अब इस कप को तुम इस बॉक्स में डालो। ओके, तो अब इस कप को मैं मैजिकली कबूतर में कन्वर्ट करने वाली हूँ। आर यू ऑल रेडी? हाँ। आबरा कडाबरा गिली गिली चू। तो अब ये कप एक कबूतर में बदल। कोई बात नहीं गाइस, कब कबूतर में बदले या सॉक्स में, हुआ तो मैजिक ही ना। विवान को अब एक्शन में लाने का टाइम आ चुका है। अब मैं आप सब लोगों को दिखाने वाली हूँ अपनी सेकंड मैजिक ट्रिक। अरे छोड़ भैया, विवान, अरे मुझे आंख में कुछ दिख नहीं रहा क्लियरली। क्या हुआ देखो भैया? कचरा लग गया। देखो ना, एक मिनट, एक मिनट। अब विवान को चश्मे में तमनासा का रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। देखो देखो कुछ गया क्या? हाँ, कुछ दिख रहा है। देखो भैया, आपके आंखों में कचरा नहीं है, बल्कि आपके चश्मे के गिलास में कचरा। एक मिनट, अरे एक मिनट लाइए, मैं साफ कर देता हूँ। चलो लाओ, अब वो मेडिसिन मुझे दे दो, ताकि मैं विवान और उसकी पलटन का पेट खराब कर सकूं। दो। देखो
तुम्हारे कंजूस पेरेंट्स ने यहाँ गेस्ट को सिर्फ पानी सर्व किया है, और अगर पानी में ये मेडिसिन हमने मिला दिया तो सबको पता चल जाएगा। ये लीजिए। थैंक यू। देवो की आंखें अभी क्लीन है तो नेक्स्ट क्या सीन है? कंटिन्यू। तो अब मैं अपनी सेकंड मैजिक ट्रिक करके दिखाने वाली हूँ, ठीक है? विवान को इतना उदास मैंने कभी नहीं देखा, आखिर बात क्या है? विवान का ध्यान तिमनासा की तरफ कैसे ले जाऊं? आबरा कडाबरा गिली गिली। व्हाट एन आइडिया देवू। अब मेरे पास भी एक मैजिक ट्रिक है, मेरा मैजिक शो हिट हो गया तो तुम लाइमलाइट में आ गए। चुपचाप यहां से जाओ नहीं तो तुम्हें भी कबूतर बना दूंगी। थैंक यू अनन्या। तो जैसा कि आप सबने देखा कि अनन्या जी एक कप में से कबूतर नहीं बना पाई, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे एक मैजिक ट्रिक आती है, मैं अनन्या को यहाँ से गायब कर सकता हूँ, और वो भी इस लाल कपड़े की मदद से। तो आइए मैडम जी। और विवान तुम वहां जाके खड़े हो, यहाँ से देखना। हाँ हाँ, तो रेडी। अब तो अब मैं एक मंत्र बोलूंगा और अनन्या जी यहाँ से गायब हो जाएंगी। ओके, हुड़ हुड़ फुड़ फुड़ पानी में बुड़ बुड़, अनन्या हो जाए फुर फुर फुर, अब अनन्या जी गायब हो जाएंगी। अनन्या हो जाए फुर 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 फुर। अगर ये मेडिसिन पानी में नहीं मिक्स हो सकती तो फिर मैं इसे मिक्स करूं किसमें? जूस। तुम्हें अपने गेस्ट को जूस सर्व करना होगा, तभी हम ये मेडिसिन मिक्स कर पाएंगे। घर में जूस तो है, लेकिन अगर बिना परमिशन के सर्व किया तो पापा डांटेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें अपने पापा की डांट से इतना ही डर लगता है तो मान लो विवान से हार। नहीं नहीं, विवान से जीतने के लिए तो मैं अपने पापा के पापा से भी डांट खा सकता हूँ। देखा, तुम्हारी मैजिक ट्रिक से भी विवान नहीं हंसा। कोई बात नहीं, अब स्लैपस्टिक कॉमेडी करनी पड़ेगी, करते हैं। आप तो देखा आप सबने कि अनन्या जी का मूड नहीं है गायब होने का, इसलिए वो यहाँ से गायब नहीं हो पाई, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा मूड है गायब होने का। अच्छा, अब ये गायब होगा, इसलिए अनन्या जी अब मुझे गायब करेगी। ये लीजिए। अरे अरे, मंत्र तो बोलिए। फुर 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 देवू हो जाए फुर 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 पानी में बुड़ 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 फुर फुर। अरे देवू भैया, अरे देवू भैया, वो क्या चकनाचूर? देवू भैया, ये आप क्या कर रहे थे? तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था विवान। देवू भैया, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, चोट तो नहीं लगी, लेकिन दुख रहा है। एक मिनट देखो तो, देखो मिरर में कुछ दिख रहा है क्या? देखो देखो ना, देखो 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 है, देखो भैया कहाँ दुख रहा है? तुमने सा, चलो लाओ वो मेडिसिन मुझे दो। शाबाश, ये हुई ना बात। ये लो। यस, फाइनली देख लिया विवान ने तमन्नासा को। पीछे के दरवाजे से जाता हूँ। हाँ, नहीं लगा है। सुनो, एक घर मिश्रा अंकल का है पार्टी, हमें टिंटू दे रहा है, और कामिनी आंटी ने हम सबको टॉनिक वाटर पिलाया है ना, तो फिर मैजिक किसे दिखाना चाहिए? मिश्रा अंकल और आंटी। करेक्ट रिंकू। अरे नहीं, मुझे कोई जादू वादू नहीं आता भाई। हाँ, नहीं आता? अरे तो डांस ही करके दिखा दीजिए। हाँ डांस कर लीजिए। अरे आइए आंटी, अरे कहाँ फंसा दिया विवान ने।
टिम्मी आंटी यहाँ रूप बदल कर आई है, इसका मतलब उनका जरूर कोई एवल प्लान है। हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा, मैं जाता हूँ उन्हें ढूंढने। लेकिन अगर तिम्नासा यहाँ अपना रूप बदल के आई है तो हम उसे ढूंढने के कैसे? उसे ढूंढने के लिए हमें मिरर की जरूरत है। मिरर? हाँ ये लो, मिरर में तुम्हें तिम्नासा असली रूप में दिखेगी। पर तुम कैसे ढूंढोगे? मैं बेडरूम से मिरर ले लूंगा, अब जाओ जल्दी। मेरा प्यार, कोई बड़ा काम होता तो मैं खुद ही कर लेता, लेकिन शायद कोई छोटा मोटा काम है इसलिए भैरानी ने आपको याद किया। नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं खुद ही विवान के सामने आ जाऊंगी, बस उससे पहले चिंटू अपना काम कर ले, तब तक मुझे विवान को भटकाना होगा। अच्छा वो यहाँ पे वो गोपू नहीं है, नहीं तो उसके लिए एक और ग्लास भरना पड़ता। ये ग्लास उस विवान का, ये ग्लास खुशी का, ये ग्लास उस रिंकू का और ये ग्लास देवो भैया का। अब नेक्स्ट 10 डेज तक तुम सब लोग रेस्ट रूम में रेस्ट करोगे। ये क्या, पता नहीं तिम्नासा ने चिंटू को क्या दे दिया है। मैं ये जूस किसी को भी पीने नहीं दे सकता। अगर तुमने मुझे यहाँ अपनी तरह ये बच्चा बनने के लिए बुलाया है तो ध्यान से सुन लो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इसका मतलब तुम काल लोग के लिए कुछ भी कर सकते हो, ये तुम्हारा दावा झूठा है। खैर, मैंने तुम्हें यहाँ वही काम करने के लिए बुलाया है जिसके तुम लायक हो। कैसा काम? काम को अंजाम देने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। लगता है मुझे अपने पावर विजन का यूज करना पड़ेगा ताकि मैं पूरे भारत नगर को एक साथ स्कैन करके पता लगा सकूं क्या कर टिम्मी आंटी है कहां। अब होगा फाइनल बैटल। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।